वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट फ्रॉम द हार्ट में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में मैं आपको एक अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाला हूँ, एक शॉर्पनर की अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो मैंने शॉर्पनर परचेज़ किया है वो कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, क्या उसका प्राइस है, तो ये सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो एंड तक वीडियो के साथ बने रहें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन के साथ में जरूर दबा दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो फ्रेंड्स, जो शॉर्पनर है वो मैंने इसलिए परचेज़ किया है क्योंकि होता ये था कि जो हम लोग नॉर्मल शॉर्पनर लेते थे उससे हम लोग नॉर्मल जो पेंसिलें होती हैं जैसे HB हो गई, 2B हो गई या फिर 3B, 4B, ये सारी चीज़ें तो हम शार्प कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम आती है उसके बाद से, प्रॉब्लम ये आती है कि जब हम 6B, 7B, 8B, 10B ये पेंसिलें जब हम शार्प करने जाते हैं तो उसकी जो निब है वो बार बार ब्रेक होती है। और चारकोल पेंसिल के लिए तो बिल्कुल बेकार ही है। चारकोल पेंसिल से अगर हम कोई शॉर्पनर से शार्प करते हैं तो 2-3 बार तो चल जाएगा, बट अगर आप अगेन अगेन उससे करते हो तो जो उसकी शार्पनेस है ब्लेड की वो ख़राब हो जाती है। तो मैंने इस बार सोचा है कि कुछ बढ़िया सा शॉर्पनर लिया जाए और बार बार ना परचेज़ करना पड़े, ईज़िली शार्प कर दे। और इसीलिए मैंने ये वाला शॉर्पनर लिया है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, कॉस्टली है थोड़ा सा, बट हाँ ये पैसा वसूल है, आप ले सकते हो इसको। अगर आप बिगनर नहीं हो तो आप इसको ले सकते हो क्योंकि ये किसी भी टाइप की पेंसिल हो उसको बहुत अच्छे से शार्प करता है। और मेन पॉइंट ये है कि इसको हम इजी यूज़ कर सकते हैं और किसी भी टाइप का किसी भी टाइप की पेंसिल हो, चाहे वो चारकोल हो गई, ग्रेफाइट हो गई या कोई भी हो गई, हम लोग उसको ईज़िली शार्प कर सकते हैं। जो पेंसिल को वो शार्प करेगा वो बहुत ही सही नॉर्मल शार्पनर से बहुत ही अच्छा शार्प करता है। सो इसलिए मैंने इसको बाय किया है, आपको मैं दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप ये वाला शॉर्पनर देख सकते हैं जो कि मैंने बाय किया है और मुझे ब्लू कलर पसंद है। तो फ्रेंड्स, इसलिए मैंने ब्लू कलर का शॉर्पनर लिया है। और आप देख सकते हैं इसको, यहाँ पर हम लोग इसको जो हमारी पेंसिल है, एक सेकंड, जो हमारी पेंसिल है हम उसको यहाँ पे ऐसे करके और इसको हमें आगे करना होगा। ठीक है, आप स्क्रीन पे जैसे देख सकते हैं कि इसको आगे करके फिर उसके बाद से हम इसमें पेंसिल जो है वो डालेंगे। उसके बाद से हम इसको घुमाएंगे और इसमें ना ऐसी आवाज़ आएगी जैसे कि कोई चीज़ फंस गई है इसमें। तो जब तक ये ऐसे हो रहा है, मतलब हमें प्रेशर अप्लाई करना पड़ रहा है घुमाने के लिए, तब तक ठीक है। जैसे ये फ्रीली मूव होने लगेगा तो इसका मतलब ये है कि आपकी पेंसिल जो है वो शार्प हो गई है। और सबसे मेन पॉइंट है कि जो कचरा है वो इसके अंदर ही आएगा, जो जितना भी डस्ट है वो सारा इसके अंदर होता रहेगा। फिर बाद में आप इसको यहाँ से निकाल कर और डस्टबिन में फेंक सकते हैं, चाहे तो आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं, कोई क्राफ्ट का वर्क ऐसा कुछ कर सकते हैं। और इसके साथ फ्रेंड्स हमको ये भी दिया हुआ है कि आप कहीं भी इसको मोल्ड कर सकते हो, कहीं भी आप इसको लगा सकते हो। सो फ्रेंड्स, आप इसको कहीं भी लगा सकते हो, इजी टू यूज़ है। और अगर आप आर्टिस्ट हैं, मतलब आप ड्राइंग करते हो रेगुलर में और आपको ये सारी प्रॉब्लम आती है, तो बिना किसी सोच के ये शॉर्पनर आप ले सकते हो। और जो इसकी कॉस्ट है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आप इसको परचेज़ करने वाले हैं तो प्लीज़ बता देना कि आपको कैसा लगा ये प्रोडक्ट। तो मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और ड्राइंग की प्रैक्टिस करते रहें।